तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की बीते दिन की गई हत्या से पूरे देश के बहुजन समाज में आक्रोश है। बहुजन समाज पार्टी भी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या से बेहद दुखी है। आज यानी 7 जुलाई 2024 को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंची। बहन जी ने पीड़ित परिवार से मिलकर पार्टी के वरिष्ठ नेता की मौत पर दुख व्यक्त किया और अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। बहन जी ने के आर्मस्ट्रांग को बहुजनों की एक मजबूत आवाज बताया। साथ ही बीएसपी नेता की हत्या को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और राज्य की डीएम के सरकार पर निशाना साधा। बहन जी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। जब पार्टी के एक सीनियर नेता प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है तो ऐसे में आम लोगों के लिए कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। बहन जी ने कहा कि राज्य सरकार का अगर इस मामले में कोई हाथ नहीं है तो राज्य सरकार फौरन इस केस को सीबीआई को सौंपे और इसकी सीबीआई जांच कराए। साथ ही इस मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर बहन जी ने कहा कि अभी तक असली अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करे और जो असली अपराधी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार करे। बहन जी के साथ उनके भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहे। बहन जी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनको संतावना दी और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिया। बहन जी ने कहा कि आर्मस्ट्रांग की मौत से पार्टी बहुत दुखी है। हम कुदरत से कामना करते हैं पीड़ित परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथ ही बहन जी ने तमिलनाडु के बसपा कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की भी अपील की और कहा कि कानून के दायरे में रहकर अपना रोष व्यक्त करें। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2024 की शाम पेरम्बूर में तमिलनाडु बसपा प्रमुख के आर्मस्ट्रांग के आवास के पास 3 बाइक सवार हत्यारों ने चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस मामले में फिलहाल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि बहन जी के तमिलनाडु दौरे के बाद राज्य सरकार इस मामले में क्या सख्त कदम उठाती है और कब तक असली हत्यारों को असली अपराधियों को गिरफ्तार करती है और कब तक के आर्मस्ट्रांग को इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।